हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ क्विक एंड फटाफट से बनने वाले डोसे की रेसिपी, जिसको आप घर पे बनाएंगे एकदम परफेक्ट तरीके से, जैसे आपको ढाबे पे और रेस्टोरेंट पे मिलते हैं उस तरीके से हम बनाएंगे, एकदम बढ़िया से, एकदम से टेस्टी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरी रेसिपी कि आप इनके साथ क्या क्या बना सकते हैं और कैसे इनको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना वीडियो करती हूँ स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बैटर, तो मैं बताती हूँ आपको इसका बैटर कैसे बनाना है। तो चलिए फटाफट से हमारा वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हम सबको पता है कि जब भी हम डोसा बनाते हैं तो अगर हमारा बैटर प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो हमारा डोसा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सही तरीके से डोसा बनाना, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका डोसा कभी ख़राब नहीं होगा। मैंने ओवरनाइट के लिए चावल और जो धुली हुई उड़द की दाल होती है उसको भिगा के रखा था, जो काली दाल होती है उसको उड़द की दाल बोलते हैं। तो मैंने उन दोनों ही चीज़ों को ओवरनाइट भिगा के रखा था। आप मिक्सी के जार में देख सकते हैं दाल है और इस पैन में चावल है। चावल आप ट्राई करें कि थोड़े कम क्वालिटी वाले लें, ज़्यादा क्वालिटी के अगर आप चावल लेंगे तो आपका बैटर जो है वो अच्छे फॉर्म में नहीं बनेगा। इनको आपको कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगा के रखना है। तो मैंने इनको पहले 6 से 7 घंटे के लिए इनको भिगा के रखा था, मैंने इनको सुबह में भिगा दिया था और मैं अब इवनिंग में इनको पीस रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे की प्रोसेस। अब जो हमारी जार में दाल है उसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी और इसका एकदम से स्मूथ पेस्ट बनाऊँगी। आप देख सकते हैं इस तरीके का ही आपको पेस्ट बनाना है और ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ऐड करना है ताकि जो भी हम दाल या चावल पीसे वो अच्छे से पिस जाए। तो आपको इसी तरीके से मैं आपको एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ कर रही हूँ बैटर बनाने के लिए, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है। तो आप इस तरीके से अपना डोसा बनाएंगे तो आपके डोसे एकदम से अच्छे से बनेंगे। और आप जब भी इस पेस्ट को बनाएं, अगर आपको ज़्यादा इडली डोसा खाना पसंद है और हमारे इसी एक ही बैटर से हमारी मिनी इडली, बड़ी इडली और जो हमारा डोसा होता है वो सारी चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। तो अगर आपको इस तरीके से चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद है तो आप एक साथ पूरा बैटर बना के रख सकते हैं और उसको जब चाहे जब यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी अलग बाउल में। हमारी दाल हो चुकी है इस तरीके से पीस के एकदम से रेडी। अब हम अपने चावल को पीसेंगे। तो मैंने दाल को निकाल लिया अलग बाउल में, अब मैं मिक्सर में डालूँगी। इसी मिक्सर में हम डालेंगे अपने चावल पीसने के लिए। तो ये हमारा ग्राइंडर हो चुका है हमारा एकदम से खाली, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। तो मैं पीसूंगी चावल। आपको याद रखना है कि अगर आप एक कटोरी, जिस कटोरी को नाप के आप चावल ले रहे हैं उसी कटोरी को, अगर आप एक कटोरी चावल ले रहे हैं तो हाफ़ कटोरी आपको दाल भिगानी है, और अगर आप 2 कटोरी चावल ले रहे हैं तो आपको 1 कटोरी दाल भिगानी है। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखेंगे, आपको कम ज़्यादा नहीं करना है, वरना जो आपका बैटर है वो अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं मेरी दाल कितनी ज़्यादा कम थी और जब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ तो मेरा एकदम से जार पूरे तरीके से फुल हो गया है। तो मैं इसमें भी हल्का सा पानी ऐड कर लिया है। मैं इसको बंद करके उसी तरीके से एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। पानी ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल कम सा ऐड करना है कि आपका जो भी मिक्सर है वो अच्छी तरीके से बन जाए। तो आप देख सकते हैं मेरा चावल भी एकदम से पिस के रेडी है और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। इस तरीके से आपको गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखनी है, एकदम से पतला नहीं करना है, वरना जो आपका बैटर है वो अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। तो मैंने जो अपना पूरा पेस्ट है वो इसको रेडी कर लिया। मैंने दाल भी पीस के रख ली है और जो मेरा चावल है वो भी मैंने पीस के रख लिया। हम दोनों को मिक्स कर देंगे और हम इसको कम से कम 6 से 7 घंटे, इसको जो हमने बैटर बनाया है इसको भी रखेंगे। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आपके घर में जो आटे वाला बर्तन होता है उसमें जगह करके उसके बाद आप अपने जो पेस्ट बनाया है उस पतीले, उस बर्तन को चावल के आटे में दबा के रख सकते हैं। और अगर आप इनको सर्दियों में बना रहे हैं तो वैसे ही नॉर्मल किचन में छोड़ सकते हैं। आप इसी तरीके प्रोसेस फॉलो करें, आप इस तरीके से इनको मिक्स कर लें दोनों चीज़ों को, और आपको इनको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। बस इस तरीके से आपको पीस लेना है, दोनों चीज़ें मिक्स कर देनी है अच्छी तरीके से और आपको इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। जब आप इसको सुबह चेक करेंगे तो इतना अच्छा इसमें खमीर आ चुका होगा कि आपके डोसे जो हैं एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो अब मैं रख देती हूँ इसको ओवरनाइट के लिए, मैं मिलती हूँ आपको सुबह।
तो आप देख सकते हैं मैंने कितना कम पेस्ट बनाया था, और खमीर होने के बाद ये जो मेरा बर्तन है ये पूरी तरीके से आधा भर चुका है। देखिए किस तरीके से एकदम परफेक्ट बैटर हमारा बन के रेडी हुआ है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से परफेक्ट तरीके से बनाना है तो आपको कम से कम इसको ओवरनाइट के लिए जो भी आप बना रहे हैं उसको पीसने के बाद रख सकते हैं। अब आपको इस तरीके से इनको कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। फटाफट से इनको कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में अपने जो भी चमचा है या जो भी है उसको एक डायरेक्शन में घुमाते हुए इस तरीके से उलटते पलटते आपको इसको अच्छी तरीके से चला लेना है। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखा है, बहुत ही अच्छा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमारा इनो आता है उसका आधा पैकेट इनो और हल्का सा आधा चम्मच सोडा। अगर आपके पास एक चीज़ है आप एक चीज़ यूज़ करिए, अगर आपके पास दोनों हैं तो थोड़ा कम कम क्वांटिटी में आप दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास भी दोनों ही चीज़ें हैं, तो मैंने पहले डाला था सोडा, अब मैं डाल रही हूँ इनो। तो इनो का मैं आधा पैकेट यूज़ करूँगी, उसी तरीके से मैंने सोडा का भी आधा चम्मच यूज़ किया था। इसी तरीके के सेम प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए बनाएं। अब जो मैंने आधा पैकेट इनो है वो डाल लिया है, मैं इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी एकदम कंटिन्यू चलाते हुए। जल्दी 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 हमें इसको फेंट लेना है। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि जो हमारा डोसे का पेस्ट है या जो भी आप इडली बनाने वाले हैं, जो भी बनाने वाले हैं, इतना परफेक्ट बनेंगे सारी ही चीज़ें। आपको इस तरीके से इनको कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 मिनट चलाना है। तो चलिए मैं इसको फेंट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा एकदम से पेस्ट एकदम से बढ़िया बन के रेडी हो गया है, एकदम फ्लो में आ रहा है। मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए। तो अगर आपको भी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बनाना पसंद है तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि जब इसमें खमीर आ जाए तो जो भी आप यूज़ करें उसी में इनो वगैरह मिलाएं, पूरे में इनो वगैरह ना मिला के रखें। फिर आप इसको फ्रिज में 1 हफ्ते तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो आपने देखा ना कितने इजी तरीके से और कितने अच्छे तरीके से हमारा जो डोसे का बैटर था वो एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे जो इसमें अंदर फिलिंग करते हैं उसके लिए सब्ज़ी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि आप इसी तरीके से एकदम ईजी तरीके से एकदम क्विक तरीके से अपनी इसकी फिलिंग को भी कैसे रेडी कर सकते हैं। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई। अब मैं कर लूँगी गैस ऑन और कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ मीडियम साइज़ की जो हमारी चम्मच होती है उसको भर के ऑयल। आप अपने हिसाब से डालें, काफ़ी लोगों को ऑयल अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को नहीं लगता है। और ट्राई करें कि कम ऑयल ही खाएँ, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हमें हेल्दी भी लगता है और सब्ज़ी भी टेस्टी लगती है। तो अब हम इस ऑयल को कर लेंगे फटाफट से गर्म, और गर्म ऑयल होने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो हमारा ऑयल हो चुका है गर्म। अब मैं इसमें ले रही हूँ पीले कलर की जो हमारी राई होती है वो, इसको सरसों भी बोलते हैं। आपके पास जो भी है पीली काले आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पीली है तो मैंने पीली डाली है। मैं इसको डाल के फटाफट से इसको भूंज लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारी राई है एकदम से भुंज के रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 लाल कलर की खड़ी मिर्ची, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या फिर इसको पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने डाला हुआ है चॉप करा हुआ छोटा छोटा प्याज, और ये कंपलसरी है, ये तो आपको डालना ही डालना है। बाकी मिर्ची को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्ची छोटा छोटा कट करके, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं इसलिए मैंने हरी मिर्ची को थोड़ा कम रखा है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं डालूँगी 2 से 3 छोटा छोटा कट किया हुआ टमाटर, क्योंकि हमें सब्ज़ी को थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देना है इसलिए। पर अगर आपको खट्टा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप टमाटर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं फटाफट से इन सारी चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले, जैसे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड मिर्ची। अब मैं इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिला के और इनको अच्छी तरीके से भूंजूंगी जब तक कि हमारा ये सारा तेल है वो ऊपर ना आ जाए और हमारे मसालों में से एकदम अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक मैं इनको रोस्ट करूंगी। तो आप भी इसी तरीके से इनको भूंज लें। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ मसाला भूंजने के बाद। तो आप देख सकते हैं मेरा मसाला एकदम से अच्छे से भुन चुका है। मैंने आलू बॉईल करके रखे थे
तो मैंने उन आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया था, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसमें 8 से 10 छोटे छोटे जो साइज़ के आलू थे उनको लिया है और मैंने उनको मैश करके इसमें अच्छे से डाला है। अब मैं इस तरीके से सारे मसाले में इन आलुओं को मिला लूँगी और 2 मिनट तक ऐसे ही गैस चलते हुए बिना पानी के हम इसको इसमें भूंजेंगे ताकि हमारा जो फ्लेवर है एकदम अच्छे से आ जाए और जो हमारा ऑयल है वो भी अच्छे से ऊपर आ जाए, हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो आप देख सकते हैं मेरे जो आलू हैं एकदम से रेडी हैं। मैं इसमें हल्का सा ऐड कर रही हूँ नींबू। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देंगे, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नींबू। अब हम इनको भी चला लेंगे। सकते हैं हमारी सब्ज़ी एकदम से बनके रेडी है और कितनी टेस्टी लग रही है। डोसा हो और चटनी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे हमने ये सारी चीज़ें एकदम इजी तरीके से तैयार करी वैसे ही मैं बनाऊंगी इसकी चटनी। सो मैंने लिया है कच्चा नारियल, उसको मैंने टुकड़ों में काट के और ग्राइंडर में डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्ची। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी रखना हो वैसे रख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और हम इसको बना लेते हैं एकदम से स्मूथ पेस्ट। सो देखिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो देखिए हमारी चटनी एकदम से रेडी है। अब हम बनाएंगे इसके लिए तड़का। तो चलिए चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो मैंने लिया है नॉनस्टिक पैन, आपके पास जो भी आप वो ले लीजिए। मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच ऑयल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो येल्लो वाली राई होती है, वो आपके पास जो भी है आप वो डालिए। मेरे पास येल्लो वाली है तो मैंने येल्लो वाली राई डाली है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, जब ये पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम इस तड़के को उठा के अपनी चटनी में डाल देंगे और उसको मिक्स कर देंगे। मैं इसको दिखाना भूल गई थी, तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं मेरा ये भुन चुका है। मैं इसको डाल दूँगी अपनी चटनी में और हमारी चटनी है एकदम से रेडी। अब मैं चलिए बताती हूँ आपको कि डोसा बनाना कैसे बनाते हैं। सो मैंने लिया है सेम पैन। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 चम्मच अपना बैटर और उसी जो मैंने चम्मच ली है उसी को इसमें राउंड राउंड घुमाते हुए हम इस टाइम पे फ्लेम जो है गैस का वो मीडियम रखेंगे। आप देख सकते हैं इसी प्रोसेस को सेम फॉलो करती है। आपको इस बैटर को पूरे उस पे तवे पे फैला देना है इसी तरीके से। सो जिस तरीके से मैं फैला रही हूँ, मैंने इसको थोड़ा स्लो कर रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको अच्छे से पूरे पे फैला लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस पर पूरे से अच्छे से फैला लिया है। मैंने पहला बनाया, इस वजह से मेरा मोटा सा रह गया। आप ट्राई करें कि कम बैटर ही डालें और जब ये हल्का सा आपको ऊपर से दिखने लगे कि आपका जो बैटर है वो गीला गीला नहीं है, तो आप इसमें इस तरीके से साइड साइड से और इसके बीच में ऊपर ऐसे हल्का हल्का सा ऑयल डाल दें ताकि जब आप इसको छुटाएँ तो ये आसानी तरीके से निकल जाए, आपका ये टूटे ना। जब तो आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर डाला था ऊपर पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब जो मैंने सब्ज़ी डाली थी उसको इस तरीके से इस पर लंबे लंबे तरीके से फैला लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने डोसा बनाया वो साइड साइड में एकदम से गोल्डन ब्राउन दिखने लगा है। इसी स्टेज पे अब हम इसको डोसे की तरह पलट लेंगे और पलटते हुए इसको चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे दबाते हुए। तो आपने देखा कितनी ईजी तरीके से और कितनी आसानी से हमारा जो डोसा है बन के हो चुका है रेडी। इसी तरीके से हम सारे डोसे बना लेंगे। जब तक कि हमारा दूसरा डोसा बन रहा है तब तक मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ कि आपको डोसा बनाते हुए किन किन चीज़ों को याद रखना, क्या क्या करना है। आप याद रखें कि जब भी आप डोसा बनाएं तो नॉनस्टिक पैन ही यूज़ करें। ट्राई करें कि नॉनस्टिक पैन ही यूज़ करेंगे, जो नॉर्मल पैन होता है उस पर अच्छे नहीं बनते हैं और आपकी मेहनत भी सारी बेकार होती है। तो ट्राई करें नॉनस्टिक पैन पर ही बनाएं। और याद रखें कि जब भी डोसा आप इस पर डालें पैन के ऊपर अपना बैटर, तो जो आपका फ्लेम रहे वो कम स्लो रखें। और याद रखें कि हर डोसे को बनाते टाइम इसमें साइड साइड से आपको ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है करनी, नहीं तो जो आपका डोसा है वो चिपक जाएगा और वो अच्छे से बाहर नहीं निकलेगा। और जब तक कि आपको साइड साइड से गोल्डन ब्राउन ना दिखने लगे तब तक आपको इसको निकालने के लिए अपनी चम्मच यूज़ नहीं करनी है, वरना ये फट जाएगा और आपकी मेहनत भी बेकार होगी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब भी वो डोसा बनाते हैं तो जिससे वो फैलाते हैं वो चीज़ उसी बर्तन में चिपक जाती है। जो भी हम चम्मच यूज़ कर रहे हैं या काफ़ी लोग कटोरी यूज़ करके बनाते हैं तो बोलते हैं जो उनका बैटर होता है वो उसी कटोरी या चम्मच में चिपक जाता है।
तो उसके लिए क्या होता है, जो आप चावल यूज़ करते हैं वो आप काफ़ी अच्छे क्वालिटी की यूज़ कर लेते हैं, या फिर जो बैटर बनाने का ठीक प्रोसेस होता है आपने वो फॉलो नहीं किया होता है, या जितना बैटर को रेस्ट टाइम चाहिए होता है आपने उसको वो नहीं दिया होता है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप जब भी डोसा बनाएं तो इन प्रोसेस को हमेशा ही फॉलो करें, और फिर आप हमेशा कहेंगे कि आपके डोसे अब कभी बेकार नहीं बनते, अच्छे बनते हैं। तो आपने देखा ना हमने कितनी इजी तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हमारे जो डोसे थे वो बना के रेडी कर लिए हैं। तो मैंने इनको सर्व किया है जो मैंने नारियल की चटनी बनाई थी। हमारी रेसिपी को फॉलो करके आप एक बार डोसा ज़रूर बनाएं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके डोसे इस बार कैसे बने। सो अगर आपको इसी तरीके की क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, अच्छा अच्छा बनाते रहिए, अच्छा अच्छा खाते रहिए। बाय, टेक केयर।